दवाई के पैसा चाहिए। सर ठीक है, कहाँ बीमार है, कहाँ बेटा है? नाम क्या? हम लोग इसमें राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो ये दिया जा रहा है कि यहाँ राज्य भर के जो गरीब व्यक्ति है जिनको की ज़रूरत है इस ठंड के मौसम में, ठंड से अपने आप को बचाने के लिए, वो उनको राशि उपलब्ध कराई गई है सभी जिलों को। और हमारे यहाँ भी अभी वर्तमान में 1,00,000 रुपए का ये दिया गया था, जिसके आधार पे हम लोगों ने कंबल का क्रय किया है। और हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा सभी प्रखंडों में भी दे दिया है वितरण के लिए, और हमारे जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उन सबको हम लोगों ने अलॉट किया है, और सबको ये कहा है कि जो इस तरीके के ज़रूरतमंद हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। इसमें हम लोगों ने ये पहल किया, हमने और हमारे DDC साहब ने, जो हम लोगों ने ये सोचा कि बहुत अमूमन हम लोगों ने देखते हैं कि वास्तव में जो ज़रूरतमंद हैं वो प्लेटफॉर्म पे, और ये ठंड के इस मौसम में भी वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं या सो रहे हैं, और उनके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। हम लोगों ने देखा है, और आपके साथ ही हम लोगों ने जा करके जहाँ जहाँ ऐसे हम लोगों को लोग मिले जिनके पास अभी ओढ़ने के लिए भी कंबल या कोई उस तरीके का गर्म कोई भी वैसा साधन नहीं मिला, हम लोगों को दिखा तो हम लोगों ने वहाँ पर दिया है। तो इसमें हमारे जो सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा हैं वो भी साथ में हैं, और हम लोगों ने मिल करके इसको वितरित किया है। हम लोग यहाँ क्यूल स्टेशन में अभी वितरित कर चुके हैं, लखीसराय स्टेशन में भी वितरित करेंगे, या इस तरीके के और भी वैसे जो स्थान हैं जहाँ के हमारे डाउन ट्रॉडन जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे गरीब लोग, असहाय लोग जिनके पास इस तरीके के साधन नहीं हैं, हम लोग ये जब तक ये राज्य सरकार की जो ये का जो उद्देश्य है और ये बहुत अच्छी पहल है, हम लोग उसके तहत लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। जी, आलाव की भी व्यवस्था की जा रही है सरकार के साथ, अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन जैसे ही थोड़ी और ठंड पड़ेगी तो उसकी व्यवस्था भी कराई जाएगी। सर, अपने यहाँ रैन बसेरा भी है सर। जी, इसमें क्या कुछ खास? देखिए, रैन बसेरा जो है वो ऐसे नगर विकास विभाग के माध्यम से वहाँ भी लोगों का ये किया जा रहा है, इनकेस अगर वहाँ कोई वैसे हम लोगों को ज़रूरतमंद दिखेंगे जिनके पास कोई भी साधन इस तरीके का नहीं हो, तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक आप निश्चिंत रहें, बल्कि हम आपसे भी इसमें अपील करेंगे कि यदि आपको जानकारी कोई है, अगर वैसा मिल रहा है तो हम लोगों को बताएं, या हमारे जो अमित जी हैं जो हमारे सहायक निदेशक हैं उनको सूचना दें, इमीडिएटली हम लोग उससे ये करेंगे उनको। सर, चलो बैठो, हम भी आ गए हैं।